से हजरत जो हैं वो गोश्त गलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। 52 आइटम अंडर वन रूफ हैं और सिर्फ कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से आपको इतने वैरायटी बारबेक्यू में कहीं नहीं मिलेगी। मैं तो काफी पुराना आ रहा हूँ जैन भाई के पास, जब से ओपन हुआ है। हर 2 से 2.5 महीने बाद मेरा कराची आना होता है और मार्च लाजमी आता हूँ क्योंकि इसका मुझे टेस्ट बहुत पसंद है। 550 ग्राम इसका नेट वेट होता है, ये हाफ के जी ऊपर है, ये हाफ के जी बोल दे। लग तो बड़ी टेंडर जूसी रही है, सॉफ्ट। मैं तो काफी पुराना आ रहा हूँ भाई, जब से ओपन हुआ है। सबसे ओपन हुआ तब से आ रहे हैं माशाल्लाह। लास्ट जो फर्स्ट ब्रांच है वो दिल्ली ने दिल्ली बिरयानी वाली गली में, गली के अंदर जाके मतलब गली से रोड पर आ गए माशाल्लाह, तब से अब आ रहे हैं। जायका वैसा ही है। हां हां, जायका तो मतलब इंप्रूव हुआ है, मजीद इंप्रूव हुआ। ये बड़ी बात है यार, ये मतलब कस्टमर कह रहा था जबरदस्त। बारबेक्यू बड़ा अच्छा है यहां पर, दो तीन बार से बारबेक्यू मिलते हैं, तो इसकी खास बात क्या है? ये सबसे डिफरेंट है, इसकी वजह ये है कि ये क्या कहते हैं बोनलेस है, सही है। और दूसरे हजरत जो हैं वो गोश्त गलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। एक बात तो सबसे अच्छी बात ये है, और दूसरा जो बोन का इस्तेमाल ये नहीं करते साथ में, बोन के साथ में सुना है कि बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, सही है, जो यहाँ पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जगह से खाते हैं, सब जगह मिर्ची विर्ची है वो एक सेम आता है। आप चाहे वो बीफ बोटी खाएं, चिकन बोटी खाएं, जायका एक जैसा आता है, जायका एक जैसा आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सबकी जो लोग जो दावा करते सही करते हैं क्या? बिल्कुल दावा सही है इनका, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे खुश होके गए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम गईब भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। माशाल्लाह गलियों से निकल के मेन शारा पे आ गए, शारा पाकिस्तान, यकताबाद डाक खाना। ऐसे ही है, अल्लाह के बाद मैं यूट्यूबों को इसका क्रेडिट देता हूँ। उसकी वजह ये, मैं तो अनजान आदमी था, मुझे कोई नहीं जानता था। यूट्यूब की दुनिया के अंदर आप लोगों ने सपोर्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह अच्छी बात, ज़बरदस्त है आप। लेकिन मसला ये होता है कि हम तो एक बार कर देते हैं, लेकिन जब हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जायका लेके जाता है दूसरी बार, पहली बार हम ले जाएंगे लेकिन दूसरी बार कस्टमर सर्विस जायका। तो भाई जईम भाई के पास खास बात ये है कि कराची में शायद नादर, मैं ज़रा मैं बात करने वाला हूँ बड़ी बात, के बारबेक्यू की इतनी वैरायटी किसी के पास नहीं होगी। जईम भाई कितने आपके पास बारबेक्यू आइटम्स? सर 52 आइटम अंडर वन रूफ हैं। अच्छा, सिर्फ कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से आपको इतने वैरायटी बारबेक्यू में कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी किस जगह आ गए जरा लियाकताबाद में डॉक्टर लगे समझाएं? सर ये लियाकताबाद 380 से अगर आप आ रहे हैं तो लियाकताबाद के गोलगप्पे डाखाने पे मशहूर है, सही है। उससे पहले हम बैठे हैं, आपने ब्रिज पे नहीं चढ़ना, पेडिस्टल ब्रिज है, उसके साथ एक मेसनरी ब्रिज है, उसी के साथ अगर आप मेन रोड पे आएंगे तो गोलगप्पे से पहले मार्च फूड नजर आएगा, और गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। तो ये आपकी कैटेगरी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है ना आपके पास? 52 कह रहे हैं तो उसमें 52 तो आ नहीं सकते। और थालियां भी आपके पास सारे आपके सारे रेगुलर मेन्यू है, ये डे स्पेशल मेन्यू, डे स्पेशल मेन्यू है, ये थाली है, ये थालियाँ है। अच्छा, ये अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं या आप बताते हैं? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो अवेलेबिलिटी होती है। हमारा मकसद इसमें ये है कि अलग अलग जायके दें, सही। दुनिया में प्लेटर का मकसद ये होता है, डिफरेंट मीट अंडर वन प्लेट इज कॉल्ड प्लेटर। हम बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम मंदी का कॉन्सेप्ट कराची के अंदर लेकर आए और लोग अब प्लेटर उसी को कह रहे हैं, हालांकि रियल प्लेटर जो है, इसलिए मैंने वो सिमिलर ना हो इसका नाम थाली रखा, सही। कोई ये मुगालता ना हो कि प्लेटर राइस के साथ, और राइस से तो आपका पेट भर जाता है, सही। ये आपको रियल टेस्ट वगैरह पक्का गोश्त और आना चाहिए आपके पास है। तो आज क्या क्या लगाया आपने हमारे लिए? अभी कंदारी पसंदे लगाए, ये स्पेशली आपके लिए बने, सही। कंदारी जबरदस्त, रेड पेपर कबाब, औरंगी स्पेशल, बिहारी पसंदे कबाब, मैक्सिकन चिकन, अफगानी कबाब, चिकन लबनानी बोटी, और स्पाइसी थाई चिकन। ये थाईलैंड वाला थाई है। अच्छा, थाईलैंड वाला था ये? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम वाला था ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ होता सिंगापुरी नाम रख दिया, इटालियन नाम रख दिया, जायका वोला नहीं मिलता आपको हर आइटम का। अगर अफगानी है तो अफगानी टेस्ट मिलेगा, अगर इंडियन है तो इंडियन मिलेगा, लबनानी है तो लबनानी टेस्ट मिलेगा। अच्छा, हमने एक खास कस्टमाइज थाली बनाई है, तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके बनवा सकते हैं, ये बना के दे देंगे आपको। ऐसा नहीं कि इनके पास 3-4 थालियाँ, आप बधी थाली भी अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, ठीक है। चिकन स्टेक भी अवेलेबल है, चिकन स्टेक भी अवेलेबल है भाई, ज़बरदस्त। ये सारी निकाले क्या निकाले? औरंगी, बिहारी पसंदे, स्पेशल बड़े बड़े, ये टेंडर होता है, मक्खन मलाई हो रहे हैं ये। अच्छा भाई, अब क्या निकल रहा है इसके बाद? सर ये कंदारी पसंदे, कंदारी पसंदे भी आ गए, और कंदारी पसंदों के साथ है स्पाइसी थाई चिकन, लबनानी बोटी, मैक्सिकन चिकन भी आ गया भाई।
बट नॉट लीस्ट जी जी स्पाइसी रेड पेपर कबाब। और ये टोटल कितने आइटम है इसके अंदर? ये सात हैं आपके लिए, वैसे हम छः आइटम छः देते हैं भाई। ये तकरीबन ये छः से सात इकसाम के हो गए माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई। देखिए चिकन स्टेक भी जा रहा है भाई, कितने का चिकन स्टेक? सर 700 का है, चाहे चिकन 1500 की हो हाँ या 2000 रुपए के जी हो, हम पूरा हाफ पान लेते हैं उसके अंदर। अच्छा अच्छा। और इकोनॉमिकल है और तिक्के से ज़्यादा, ये 550 ग्राम इसका नेट वेट होता है। ये हाफ के जी ऊपर है, ये हाफ के जी बोनलेस है। वाह जबरदस्त। अभी जो है वो चिकन का रेट 1170 रुपए चल रहा है आज का रेट, सही है, और हम 700 रुपीस में 700 रुपए में दे रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त। तो रहीम भाई अगर ये कोई बनवाता है ये थाली कितने की बनती है? वैसे कस्टमाइज बनवाई है हमने तो, ये कस्टमाइज वो डिपेंड करता है डे स्पेशल आइटम कितने अवेलेबल है। हाफ प्लेट जो है वैसे सेपरेटली जाते हैं तो वो 350 और 300 की पड़ती है, वैसे इसकी 1400, 1600 और 1500 रुपए इसकी कॉस्ट है। मतलब माशाल्लाह दो बंदे गोश्त खोर खाएंगे, तीन बंदे आराम से खाएंगे, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाई, तो भाई ने पूरी थाली मंगाई माशाल्लाह, खत्म कर देंगे भाई? ऑलमोस्ट ये मैंने ख़त्म की है और अभी बीच में वीडियो अगर आप बन रही है, अगर वीडियो बंद होगी तो मैं पूरा ख़त्म कर देंगे माशाल्लाह। तो भाई ने बताया है कि भाई अब इस्लामाबाद से आए? जी जी, मैं इस्लामाबाद से, मतलब कराची के रहते हैं लेकिन अब इस्लामाबाद में रहते हैं, तो जब कभी भी आते हैं ये खाना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट है कराची में, जब भी आना बारबेक्यू रहे हैं, मार्ट फूड का खाना है बिल्कुल। अगर आप थाली लेंगे ना तो आपको उसमें 5 पराठे भी मिलेंगे, ये याद रखिएगा। हमने कस्टमाइज बनवाई, आप भी कस्टमाइज करवाते तो उसके पैसे थोड़े तब्दील हो जाएंगे। तो भाई ज़रा ये कबाब से शुरू करते हैं ना, ये देखें क्या टेंडर, क्या जूसी कबाब हो रहा है ना, मतलब। अच्छा दूसरी बात, ये प्रॉपर तरीके से कबाब आपको बड़ा कबाब है, ये नहीं है कि ये थाली दे रहे छोटा कबाब होगा, बोडियों की साइज़ छोटा होगा, बोडियों का साइज़ बड़ा बड़ा है। अच्छा भाई, तो ये है इनका पहला खाते रेड पेपर कबाब, यार मुंह में जाते हैं घुलता है। और दूसरा जो उसके जो मसाले हैं ना, तो बाकी आपको बताते हैं कि प्रॉपर बारबेक्यू का एक नया फ्लेवर आपके मुंह में गया है। हाँ, और यहाँ आपको आपका तीखापन महसूस होता है और बताता है कि भाई कि मैं कुछ हूँ, यानी आप ये मज़े दिखाएँगे। ये देखें ना कितना टेंडर जूसी, रिचनेस देखें इसकी यार माशाल्लाह। मैंने आज तक कभी लबनानी बोटी खाई नहीं है, ये देखें क्या मक्खन मलाई होगी ना। और इसमें ना मेरे ख्याल से थोड़ा ग्रीन आइटम ज़्यादा नज़र आ रही, ज़रा देखते हैं ठीक है, मज़े की है। दूसरी ये बात, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, और ये आपको जो रिवायती बारबेक्यू मिल रहा है वो जायका नहीं। और सबसे बड़ी बात कि बोटी का साइज़ बड़ा बोनलेस है, यानी ये हाफ प्लेट आ रही है लेकिन बोटी बड़ी है। लबनानी के बाद शुरू करते हैं भाई, ये मैक्सिकन है भाई। अच्छा नाम बड़ा रख देते हैं लोग, ज़रा ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने इनके पास खाया पहले बारबेक्यू, बहुत मज़े का था, लेकिन मैक्सिकन पहली बार खा रहा हूँ। हल्का आपको खटास बनाता है। अच्छा दोनों चिकन है मगर दोनों के फ्लेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब इसमें हल्का सा खटासपन है और थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा उसके मुकाबले में, क्योंकि मैक्सिकन थोड़ा तेज तीखा खाते हैं। अच्छी है, हाँ इसका मसाला बहुत अच्छा है। अच्छा भाई देखें सर, ये है अफगानी कबाब, ये देखें ये नज़र आ रहा है गुलाबी गुलाबी सा गोश्त। तो गोश्त में भी कहते हैं कि भाई हाई क्वालिटी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, ज़बरदस्त। तो रेड पेपर काफ़ी तीखा था, ये बहुत कम तीखा उसके मुकाबले में, मगर दोनों के फ्लेवर में फ़र्क है। लाइट तो जा रही है थोड़ा सा, ये देख लें भाई, ये स्पाइसी थाई चिकन, ये देखें ये ओए अच्छी है, ये मुझे की है, मगर जितनी उनसे खाई उनके मुकाबले में। अब मुकाबला होगा कंदारी में और अब बिहारियों के पसंदों में, तो ये दोनों पसंदें बनाए इन्होंने ज़बरदस्त। अब ज़रा ट्राई करते हैं ये वाला, बहुत बार हम कहते हैं मक्खन मलाई, तो वाकई मक्खन मलाई था। अरे उन्हें जाता हूँ, बहुत सदाई करता यार, क्या टेंडर जूसी है, मतलब उसकी जो गोश्त की रिचनेस है ना, गुलाबी गोश्त। अब ज़रा खाते हैं भाई जिनके वाकई पसंद है, मशहूर है बिहारियों के, ठीक है चटपटे। बोला अगर आपका स्पाइसी पसंद है तो आपको बिहारियों के पसंद आएंगे, मगर मुझे भाई अफगानी जो पसंदे बनाए ना उनने, वो आतंक बनाए भाई। मैंने अभी तक इस तरह के पसंदे कराची में नहीं खाए। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बेहतरीन किस्म का जायका मिला। अगर आपको स्पाइसी और बारबेक्यू में वैरायटी चाहिए तो लाजमी आइएगा। सर रुके रुके रुके, आपके लिए एक स्पेशल चिकन स्टेक, ये कभी नहीं खाया। हाँ ये खाया तो है लेकिन बारबेक्यू में नहीं खाया, बारबेक्यू में नहीं खाया। ये देखें यार, ये स्टेक है लेकिन ये देखें ऐसा बड़ा बड़ा अगर बाइट मुंह में जाएगा। अच्छा वो लाइट जनरेटर चला रहे हैं लेकिन हमने कहा उससे पहले हम काम ख़त्म कर देंगे अपना। अच्छा इस स्टेक में और स्टेक में एक जैसा ही जायका है, मतलब लेकिन इसका जायका ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ग्रिल ज़्यादा हुआ, वो ये वो होता है हॉट प्लेटर में, वो होता है जो दूसरे उनके पास ग्रिल के तरीके होते हैं, ये होता है देसी तरीके से ग्रिल। तो इसमें ज़रा कोयले का जायका आपको बड़ा खुशबू अच्छी महसूस होती है उस स्टेक के मुकाबले में भाई। ये मेरे हिसाब से तो ये स्टेक आपने खाना है भाई, तो अपना ख्याल रखिएगा। इसकी लोकेशन बड़ी आसान सी है कि भाई लैक तबा डाकखाना, और इसकी गूगल लोकेशन होगी बिल्कुल यहाँ बड़े मशहूर गोलगप्पे उसके साथ ही है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।